की ताड़ेकर की टीम को मिली बड़ी सफलता। सौ रुपए के नकली नोट छापने वाले गिरोह का किया गया पर्दाफाश। चार आरोपी धरा, एक फरार। करोट क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। करोट से सटे गांव खड़ाउदा, जिसमें नकली नोट छापने का कारोबार चल रहा था और नोट खपाने का कार्य भी चल रहा था। इस संबंध में जानकारी देते हुए एएसपी महेंद्र ताणेकर ने पुलिस थाना करोट में प्रेस वार्ता कर मामले का खुलासा किया और बताया कि नकली नोट छापने के गिरोह का भंडाफोड़ करोट पुलिस ने किया है। करोट थाने के एएसआई अर्जुन सिंह परिहार को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई, जिसके बाद पुलिस ने गंभीरता से मामले को लेते हुए नकली नोट छापने वाले गिरोह के यहां दबिश दी, जहां पर कचरूलाल पिता जीतराम मेघवाल, ग्राम पंचायत अलहेड़ हाल मुकाम खड़ाउदा, शरीफ पिता मोहम्मद सलीम निवासी सातखेड़ा को पकड़ा। इसे सख्ती से पूछताछ करने पर अपने साथी मंगल पिता रामलाल बागरी निवासी खड़ाउदा, ईश्वर पिता रामचंद्र मेघवाल निवासी खड़ाउदा व अनिल पिता राजू चौहान जाति नट निवासी खड़ाउदा के मिलने पर उसके कब्जे से एप्सोन कंपनी का प्रिंटर तथा दोनों की तलाशी पर मंगल की पेंट की जेब में से 100 रुपए की गड्डी, 7,000 रुपए तथा ईश्वर मेघवाल की तलाशी लेने पर ईश्वर की पेंट में से 100 रुपए की नोट की गड्डी मिली, जिसको चेक करने पर एक एक ही सीरियल के कई नोट मिले, जिसकी गिनती करने पर 6,600 रुपए जब्त किए गए, जिसमें एक आरोपी फरार चल रहा है। आज दिनांक 29/7/21 को हमारे यहाँ एक एएसआई सदस्य है अर्जुन सिंह, उनको मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई थी। क्या नकली नोट से संबंधित कोई व्यक्ति नोट तैयार करता है और वो नोट मार्केट में चलाता है। इस सूचना पर बहुत कम समय की सूचना थी। इस सूचना पर उससे चर्चा की गई और चर्चा अनुसार फिर आगे की कार्रवाई के लिए मौके पर टीम हमारी पहुंची। ग्राम खड़ाउदा के एक पास में ही गांव है, उस खड़ाउदा में नदी के किनारे एक रोड बना हुआ है, उस रोड पर हमारी टीम पहुंची। जो भी हमको सूचना प्राप्त हुई उस सूचना के आधार पर उन लोगों को हमने पकड़ा। मौके से हमें दो लोग पकड़ाए, एक तो कचरूलाल पकड़ाया था और दूसरा पकड़ाया शरीफ। तो ये दो लोग जो मौके से पकड़ाए थे, इनकी तस्दीक की, इनका चेकिंग की, जामा तलाशी की, तो उसमें हमको नोट प्राप्त हो गए। उन नोट के परीक्षण के समय प्रथम दृष्टया देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि ये नोट नकली है, ऐसा देखने से प्रतीत हो रहा है। एक तो पेपर से समझ में आता है, दूसरा पानी में कलर छोड़ने से समझ में आ रहा था। इन चीज़ों को चेक किया और फिर उन दोनों को राउंड अप किया। राउंड अप करने के बाद उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ करने के बाद उन्होंने अन्य और दो लोगों का नाम बताया, तीन लोगों का नाम बताया था। उसमें से दो लोगों को हमने और राउंड अप किया है, जिसमें मंगल और ईश्वर करके हैं, उनको भी राउंड अप किया है। तो कुल मिला के ये अभी तक की प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन में हमने FIR किया है 489 ख के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है और साथ ही साथ धारा 34 भी लगाई है इसमें, क्योंकि चार लोग हैं अभी। और ये जो प्रिंटर जो हमने प्राप्त किया उनसे, तो इस प्रिंटर के बारे में पूछताछ की तो प्रारंभिक में ये मालूम पड़ा है कि ये प्रिंटर जो है शामगढ़ से खरीदा है और 2 महीने पहले खरीदा है, ऐसा आरोपी का कहना है। अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन में है, बाद में और भी प्रकाश में आएगा कि ये प्रिंटर कब खरीदा था, किस समय खरीदा, इस प्रिंटर की क्या वैल्यू है, इस प्रिंटर में किस प्रकार के नोट बनाते थे वो, किस प्रकार का कागज का इस्तेमाल किया जाता था और किस प्रकार मार्केट में ये नोट चलाते थे, ये अब इन्वेस्टिगेशन है। कुल कार्रवाई में 25,200 रुपए के नकली नोट, रंगीन प्रिंटर सहित जब्त किए गए हैं। साथ ही फरार आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अभी टोटल 25,200 इन लोगों से जब्ती हुई, चारों से पृथक पृथक जब्ती जो है हमने प्रेस नोट में आप लोगों को दी है कि किन किन लोगों से कितनी जब्ती हुई है।
और किस सीरीज के नोट लगते हैं? सारे सोशो के। सर कितने समय से चला रहा था ये? अभी तक तो इन्वेस्टिगेशन में 2 महीने का आया है, फर्दर मालूम पड़ेगा क्या और कितने समय से चल रहा था ये काम और कैसे चल रहा था ये काम, और इसमें बैंक की भी मदद लेंगे और FSL की भी मदद लेंगे, जहाँ पर ये नोट चेक होता है, चेक होने के बाद सारी जानकारी प्राप्त होती है, वहाँ से भी हम प्राप्त करेंगे। उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी शिवांशु मालवी, सहायक उप निरीक्षक अर्जुन सिंह परिहार, प्रधान आरक्षक सुरेंद्र दशरथ मालवी, अनिल यादव इरफान, आरक्षक गौरव सिंह, दिलीप जाट, कृष्णपाल, अजय मेड़ा का सराहनीय योगदान रहा। संस्कार दर्शन ब्यूरो रिपोर्ट।